ना भाई। हाँ 4x4 लगने के बाद देखते हैं भाई। बैठ लिया, अब तुम बताओ जी। बढ़िया चल रहा ट्रैक्टर तो। बढ़िया एकदम। अच्छा दबा क्यों फिर? दबा तो ये लोड में। अच्छा ज्यादा लोड? थोड़ा हड़का हड़का तो इतना दबा ही है। अच्छा अच्छा नमस्कार किसान भाई, राम राम, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो भाई जो आज की वीडियो है, आज की वीडियो के अंदर ये भाई दूसरे वाला प्लाव है और पूछते हैं भाई ये वाला प्लाव ट्रैक्टर कैसा खींच लेगा। हाँ भाई कैसा खींचेगा इस प्लाव को भाई? खांच तो ठीक ही रहा। अच्छा पहले वाला बहुत बेहतरीन चला था इसमें। एंड अच्छा का खेत पाया हुआ तो इस वजह से मुड़ा टूटा पड़ा, मिस्त्री पर पूरा सही हुआ नहीं हो। हाँ भाई ये बात तो सही है, देखो यहाँ से भी मुड़ रहा भाई। जो पिछले वाला पंखा ना, जो पिछले वाला जहाँ बंद रहा है बोल्ट यहाँ से एंड थी इसमें, यो सही से निकली नहीं उस पर। और भाई नीचे से जो पिछले वाला है ना वो मिट्टी हटा थोड़ी सी पैर से भाई उसमें। ये देखो भाई यहाँ से भी तिरछा है भाई ब्लेड, ये जो इसकी नोक है अभी तिरछी है। एक चीज हो रहा भाई। हाँ बता भाई। जो जो सेंसिंग करा ना ट्रैक्टर सब हमने नीचे छोड़ दिया। अच्छा तो ठीक है, जो पीछे डंडा बनना है लेकिन जिस टाइम यो गहराई लेगा ना नीचे चला जाएगा ट्रैक्टर। ट्रैक्टर सेंसिंग अच्छी नहीं करता, या तो रुक जाएगा ट्रैक्टर या ज्यादा थोड़ा हाँ कम लेगा गहराई। अच्छा अच्छा इस वाले प्लाव को सेटिंग अच्छी थी, इसका सेटिंग अच्छी नहीं है। तो भाई चल एक बार चला के दिखा। चलाएंगे तो भाई अब देखते हैं दूसरे वाला प्लाव चलाकर क्या खींचेगा भाई ट्रैक्टर। सेंसिंग बताई थी भाई ने कि सेंसिंग इस ट्रैक्टर पर इस प्लाव पर अच्छी नहीं है भाई। जो दूसरे वाला प्लाव था उस पर सेंसिंग अच्छी थी। लो भाई देखो नीचे उतर जा भाई, कह रहा है तो ठीक है। तो भाई अब नीचे बुला लेंगे एक बार, कंट्रोल देखेंगे ट्रैक्टर का। देखो भाई कंट्रोल, एक आदमी खड़ा होने के बाद भी ट्रैक्टर के ऊपर कोई नहीं आया भाई। लो भाई चेक करो और स्लिप देखो ट्रैक्टर की, और गहराई भी भाई ठीक है, बढ़िया। अरे बढ़िया बिल्कुल, मट्टी देखो भाई कहाँ बताई, देख लो पैर तगड़ गई बिल्कुल। तो भाई चढ़ना पड़ेगा, आगे खेत खत्म हो गया था, आगे सरसों है भाई। दब लिया भाई मेरे बैठ तो हाथ तो ट्रैक्टर दब लिया। अगली बार मैं भी छेड़ देगा भाई। तो भाई देखो टू व्हील में कर दिया अब। अरे क्या बात है शेरा, चलो भाई लिकट लिया, खुद ही लिकट गया। और टू व्हील के अंदर भाई ट्रैक्टर अभी ना कि फोर व्हील के अंदर। ओ भाई देख लो कहां भाग लिया ट्रैक्टर, ट्रैक्टर देख लो भाई, ट्रैक्टर देख लो भाई कहां चला गया, ध्यान नहीं दिया, जाना कहां सी तरफ गया कहां ट्रैक्टर। ये देख लो रॉन्ग साइड हो गई थी भाई। दब लिया, ओ ये देख लो भाई दस लिया। क्या बात है भाई, फ्री हो लिया टायर। हाँ 4x4 लगने के बाद देखते हैं भाई। बैठ लिया,
उठता नहीं पर भाई आग कहा ट्रैक्टर उठने की कोशिश करवाई पर ट्रैक्टर उठने का नहीं भाई। ट्रैक्टर उठ तो रहा नहीं भाई और भाई मतलब क्या किक्कर भी देख लो ट्राई करके उठने का नहीं भाई। अगर रिवल सीवल वाला होता तब तो उठ जाता भाई ट्रैक्टर पर अब नहीं उठ रहा भाई। तो भाई अब ट्रैक्टर इस साइड आ गया भाई अब देखते हैं ट्रैक्टर क्या रही कितनी थी और इनसे पूछते हैं भाई ट्रैक्टर क्यों दबता है। हाँ क्यों दब रहा भाई ट्रैक्टर भाई पुलाव ढंग का नहीं है अगर ढंग सा होता तो सही चलाता बिल्कुल क्योंकि इस मत एंड अच्छा तो हम उड़ा भैया या तो काफी ज्यादा लगेगा या काफी कम लगेगा इस वजह से एक लेवल करके नहीं चल पा रहा। और दूसरा जो है ना सेंसिंग पॉइंट जो सेंसिंग बोल रहा कंपनी उसके हिसाब से हाइट भी कम पुलाव की। अच्छा भाई अब तुम बताओ जी बढ़िया चल रहा ट्रैक्टर तो बढ़िया एकदम एकदम। अच्छा दबा क्यों फिर दबा तो ये लोड में अच्छा ज्यादा लोड थोड़ा हड़का हड़का तो इतना दबा ही है दबाई। अच्छा अच्छा चलो ठीक है जी। तो भाई पूछ लिया ट्रैक्टर क्यों दबता भाई इतना ज्यादा कारण है भाई इसका जो ये पलाऊ है भाई इस पलाऊ को चलाया हुआ था पॉपुलर के खेत थे उनकी जो नस्से थे नस्से उखाड़े भाई इससे और इसके अंदर है भाई मतलब एंड जिसको बोलते हैं भाई थोड़ा फर्क है भाई इसमें एंड है भाई इसके अंदर तो उसकी वजह से ट्रैक्टर के ऊपर लोड भी ज्यादा पड़ रहा भाई और सेंसिंग भी अच्छी नहीं चलाने में मजेदार नहीं है भाई इसकी इतनी ज्यादा। देखो भाई मैं ये बात तो कहता नहीं है पलाऊ खराब है पलाऊ खराब नहीं है भाई पर देखो इसके अंदर थी एंड उसकी वजह थोड़ी दिक्कत है ट्रैक्टर के ऊपर दबाव है ज्यादा भी नहीं है मतलब पहले वाले पलाऊ था भाई उसके मुकाबले लोड है भाई और गहराई भी थोड़ी कम है। और भाई आपको बताना आपको कैसा लगा भाई ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस और पलाऊ भी कैसा है आपके हिसाब से भाई। पलट देखो भाई और भाई सेंसिंग के अंदर ट्रैक्टर जो सेंसिंग पॉइंट होता है उसके अंदर बना रखा है भाई टोपलिंग ये देखो और एक कारण और है भाई जो ये खेत है भाई इस खेत के अंदर बांध है थोड़ा बारीक और बारीक में जो पलट होती है पलाऊ की वो कम दिखती है जहां भी जमीन मतलब थोड़ी काड़ी टाइप की आती है वहां दिखते हैं भाई डले जैसे भाई ये है यहाँ से नहीं तो कम ही चमकते हैं। जो भाई चैनल पर नए हो भाई चैनल को सब्सक्राइब भाई मेरे चैनल पर ऐसी ही ट्रैक्टर से रिलेटेड वीडियो आती रहती है अगर भाई आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को भी लाइक। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।